क्रांतिकारी बात कर रहा हूँ स्टेज पे, ये आपको हिंदुस्तान के टेलीविजन पे नहीं दिखेगी, क्योंकि टेलीविजन अदानी का है। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसमें जनरल कास्ट के कितने गरीब हैं, बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे, उसके बाद पता लगेगा कि पिछड़ों के पास इस देश का इतना धन है, गरीब जनरल कास्ट के पास इस देश का इतना धन है, अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास इतना धन है। और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा, उस दिन सारे के सारे बब्बर शेठ जग जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, सीनियर मैनेजमेंट में दलित आदिवासी पिछड़े 73% के कितने, बोलो बोलो, जीरो, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा टूटा? जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया, और ना आपने जनरल कास्ट के, ना आपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपके जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते, वो नफरत फैलाना जानते, भाषण देना चाहते, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। अब सुनो 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना, 90 में से दलित आदिवासी पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ। 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए,
गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात घांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं, आप अगर नहीं जगोगे, अगर आप अपना हक नहीं लोगे, भूखे मर जाओगे। आपके जो बच्चे हैं ना, मैंने देखा वाराणसी में रात को, मैंने देखा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे, शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे, डिप्रेशन में है, जानते हैं कि भैया कुछ नहीं होने वाला यहां पे। अब सुनो, अब बात समझो, रास्ता आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आप से पूछना है, इस सोने की चिड़िया में से मुझे आज कितना सोना मिला, बस यही सवाल है। सबसे पहला काम गिनती का काम है। सबसे पहले देश को बताना है दलित पिछड़े आदिवासी इस देश में कितने हैं। उसका तरीका जाति जनगणना है। ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ कर ले, इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।